नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। और आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में करेंगे जनसभा। शाम को नागपुर के रामटेक में करेंगे पब्लिक मीटिंग। चुनावी रण में मतदाताओं को लुभाने में जुटे भाजपा के स्टार प्रचारक। अमित शाह पश्चिम बंगाल और बिहार में संभालेंगे कमान। वहीं योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ में करेंगे रैली। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं ने भी प्रचार किया तेज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है मनीष सिसोदिया। छत्तीसगढ़ में कल शाम दुर्ग जिले में एक बस के खाई में गिर जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 12। हादसे में 15 यात्री जख्मी। विश्व होम्योपैथी दिवस आज। राष्ट्रपति अनुसंधान को सशक्त बनाना और दक्षता बढ़ाने विषय पर होम्योपैथिक संगोष्ठी का करेंगी उद्घाटन। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालु मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की कर रहे हैं आराधना। मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। और आईपीएल में आज जीत के रथ पर सवार राजस्थान रॉयल्स की गुजरात टाइटंस के साथ होगी टक्कर। वहीं कल हुए रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया। और खबरों में बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री इस समय तमिलनाडु के 2 दिनों के चुनावी दौरे पर हैं। वे आज तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में जनसभा को संबोधित करेंगे। वेल्लोर लोकसभा क्षेत्र इस बार की चुनावी अखाड़े में बेहद अहम हो गया। यह मामला बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार की वजह से त्रिकोणीय हो गया है। पिछले चुनावों में यहां डीएमके और एआईएडीएमके और पीएमके ने जीत दर्ज की, जबकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का पीएमके पार्टी के साथ गठबंधन है और एआईएडीएमके के नेता और पूर्व सांसद एसी समुगम अब भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री शाम को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक जाएंगे। वहां पर वह पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। और वेल्लोर से ही ज्यादा चुनावी जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, क्योंकि इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय माना जा रहा है, मिशन साउथ की अगर बात की जाए तो तमाम स्टार प्रचारक वहां पर धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से वहां के जो मतदाता हैं उनका मन आप पढ़ पाए? दोबारा ऋषि, आपको हमारी आवाज आ रही है ऋषि? मुकाबला अगर वेल्लोर की बात की जाए, बिल्कुल वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जी जी, बोलिए बोलिए, पूरी कीजिए। वेल्लोर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि एआईडीएमके और डीएमके के इधर एक ऐसा मोर्चा बनाया जाए जिसमें कि वो इस इलाके में पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ मैदान में लड़ सके, और यहाँ पर जो पूरी स्थिति है
इस समय जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो पहले यहाँ पर एआईएडीएमके से सांसद भी रह चुके हैं और पीएमके से भी जीते हैं। एक कतावर नेता है इस इलाके के और वो यहाँ की जनता की नब्ज को समझते हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज उनके ऊपर दाव लगाकर इस वेल्लोर इलाके में एक माहौल को उसने स्थापित किया है कि और जनता से जुड़े हुए जो सीधे मुद्दे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के माध्यम से वो सीधा संवाद स्थापित कर पाने में सफल हो पाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो संगम है उसको तमिल काशी संगम के माध्यम से दोनों इलाकों की जो सांस्कृतिक पहचान और जो 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 आध्यात्मिक संबंध रहे हैं उसको कैसे और ज्यादा विस्तारित किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा विकसित भारत की संकल्पना में सबका साथ सबका विश्वास के साथ हर इलाके को समाहित करके उसमें विकास को रफ्तार देना चाहते हैं और उसी की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की यह पुरजोर कोशिश है कि वो यहाँ पर अपना परचम लहराए और अपने इस पूरे के पूरे अभियान में प्रधानमंत्री मोदी अपने देखा है पिछले 100 दिनों के अंदर 7 करीब करीब यात्राएं कर चुके हैं। हमने कल ही देखा था कि चेन्नई में उन्होंने रोड शो किया था और आज ये वेल्लोर में सभा हो रही है। वेल्लोर एक औद्योगिक इलाका है, खासतौर से यहाँ पर टैनरीज है और लेदर से संबंधित जो कामकाज है वो होता है और इस पूरे इलाके में जो लोगों के रोजगार की समस्या है और जो स्वास्थ्य की समस्या है उसको भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रेखांकित कर रही है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो भी यहाँ पर काफी प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और हम जानते हैं कि पिछली बार के चुनाव में यहाँ पर बिल्कुल जो चुनावी कैश पकड़ा गया था वो भी एक मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दे आपने बताए, हम चाहते हैं कि चुनावी माहौल आपके पीछे है, कैमरामैन की मदद से हम चाहते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर वहां जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जब से हम आए हैं यहाँ पर लोगों में जो उत्साह है वो काफी ज्यादा है और इस पूरे के पूरे माहौल में हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आ रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इन दृश्यों के माध्यम से ये बताएं कि यहाँ की जो जनता है वो किस तरीके से इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और बेहद अनुशासित तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। और हम जानते हैं कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर विकास की जो संभावना है उनको और ज्यादा आगे बढ़ाने की जो भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश है एक मुद्दा के रूप में आगे बढ़ाने की और इस सभी अभियानों में प्रधानमंत्री मोदी इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत के हर इलाके को हमें विकास की रफ्तार से जोड़ना होगा और इसी वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है एक ऐसे प्रयास में जिसमें कि अगर कोई अगली सरकार बनती है तो इस इलाके को भी विकास से सीधा जोड़ा जाए। बिल्कुल, और उत्तर की राजनीति की बात करते हैं वो दक्षिण से थोड़ी अलग होती है, खास तौर पर जहां पर जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है इस तरह लोकसभा चुनावों को लेकर। बिल्कुल देखिए इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि उन एलाइज को अपने साथ लिया जाए जिनका की एक आधार है और उन आधार में जो सबसे बड़ा उनका जो घटक दल है वो पीएमके है। हम जानते हैं कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो पीएमके से यहाँ पर सांसद भी रह चुके हैं और ये जो पूरी की पूरी कवायद है जिसमें वो तमाम दलों को लेकर अपने साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जो 9 दल है कहा जा रहा है कि नवरत्नों के सहारे भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास गढ़ने की कोशिश में है तमिलनाडु में। हालांकि इस पूरी की पूरी कवायद में जो उनके साथी है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो मिलकर एक ऐसा जनता के बीच में संदेश देना चाहते हैं कि वो एक बड़ा विकल्प है तमिलनाडु की राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी इस पूरी खबर पर लेते रहेंगे अपडेट्स, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए News@10। हाँ हाँ देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारा टाइम तो अटकाना भटकाना लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं
ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर उजाला समाचार पत्र को दिए गए विशेष साक्षात्कार में खुद को देवभूमि का सेवक बताते हुए कहा कि दशकों तक पहाड़ों खासकर उत्तराखंड की उपेक्षा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने आध्यात्म के एक जिज्ञासु के रूप में और बाद में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काफी समय उत्तराखंड में बिताया। यहाँ के लोगों के साथ पहाड़ की समस्याओं को जिया, इसलिए उत्तराखंड को लेकर मेरा दृष्टिकोण बेहद संवेदनशील है। कांग्रेस की सरकारों का देवभूमि के हित में कभी कोई वास्ता नहीं रहा। उनके लिए उत्तराखंड सिर्फ फोटो खिंचवाने की जगह रह गई थी। ऐसा नहीं है कि पहले के देश के पास संसाधनों की कमी थी या फिर सामर्थ्य नहीं था, मगर कमी थी तो सत्ता में बैठे लोगों के विजन और इच्छा शक्ति में। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बढ़ाने, निवेश और उच्च शिक्षा के संस्थान बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट कराए जाने के पीछे भी यही उद्देश्य था। सुदूर पहाड़ों तक एयर कनेक्टिविटी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्षों में हमारी सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड ही नहीं देश भर में कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ। अब तो मानस खंड के तीर्थ स्थानों जैसे कि आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी का विस्तार होने से अब ना कुमाऊं के लिए दिल्ली दूर है ना गढ़वाल के लिए। पर्यटन और सुविधा के लिए केदारनाथ, हेमकुंड साहिब समेत कई तीर्थ स्थानों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं बेहतर हुई हैं। उत्तराखंड की आर्थिकी और महिलाओं की मजबूती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उत्तराखंड की महिलाओं को मां नंदा के रूप में देखता हूं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं परिवार की रीढ़ हैं। इनसे मुझे समर्पण भाव से अपने काम में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। 10 वर्षों में ही हमने सुनिश्चित किया कि महिलाएं भी भारत की विकास गाथा का हिस्सा बने। हमारी योजनाएं जो है उसमें महिलाओं के जीवन में सुविधाओं को बढ़ाया है। हमारी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर लोकसभा क्षेत्र के दौलतपुर में एक जनसभा करेंगे। इसके बाद अमित शाह बिहार पहुंचेंगे। यहां वे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरारू में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को मुजफ्फरनगर में चुनावी जनसभा होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की कई सीटों का जो है उस पर समीकरण साधेंगे। वे सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अपने 10 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इस दौरान उनकी उपलब्धि और नाकामी क्या क्या रही है। पिछले 10 साल में जितने वादे किए वो सब कर पाए कि नहीं कर पाए, क्या है उनकी उपलब्धि, क्या है उनकी कमजोरी, ये ही बैलेंस शीट के आधार पर चुनाव होते हैं। लेकिन उनके भाषण में एक भी जगह ऐसी बातें नहीं हैं कि उन्होंने पुराने या जो आश्वासन दिए लोगों को उसके बारे में क्या हुआ। 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात कहां गई। लोकसभा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के लिए और विधानसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी कर दी। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसमें विशाखापट्टनम से पुलुसु सत्यनारायण रेड्डी,
अनाकापल्ले से वेगी वेंकटेश एलोरू से लावण्या कावेरी, नरसरावेपेट से गानेर पुडी सुधाकर नेल्लोर से और कोपिलर राजू और तिरुपति निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर चुनिता मोहन को मैदान में उतारा गया है। वहीं आरजेडी ने बिहार के अपने लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। सूची में 22 नामों को शामिल किया गया। सारण से रोहिणी आचार्य, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, बांका से जयप्रकाश यादव, पूर्णिया से बीमा भारती और वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया है। बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि अशोक भलावी को बहुजन समाज पार्टी ने बैतूल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था। पिछली बार भी अशोक बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सुहागपुर गांव के पास रहने वाले अशोक भलावी पेशे से सब्जी व्यापारी थे। वे बैतूल जनपद के सदस्य भी रह चुके हैं। अशोक भलावी के 4 बेटे हैं। मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इस संबंध में रणदीप सुरजेवाला को कारण बताओ नोटिस जारी कर 11 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा। रणदीप सुरजेवाला ने बीती 1 अप्रैल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के कैथल स्थित एक गांव में गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में जनसभा की थी। इसी दौरान उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दे डाला था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। बीजेपी ने आज एक नया गीत जारी किया जो पूरे देश की भावना को दर्शाता है। ये गाना 12 अलग अलग भाषाओं में गाया गया है। ये राष्ट्र की एकता को प्रदर्शित करते हुए लोगों को उनकी विविधता पर एक साथ आने को दर्शाता है। बात छत्तीसगढ़ की, जहां 11 लोकसभा सीट है। नक्सल प्रभावित बस्तर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। यहां चुनाव करवाना सुरक्षा बलों के लिए हमेशा चुनौती रही है। नक्सली ना सिर्फ मतदान को बाधित करने का प्रयास करते हैं बल्कि हिंसक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में बस्तर संसदीय सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने की वजह से यहां पर चुनाव के दौरान काफी घटनाएं होती हैं। इस लिहाज से बस्तर में सुरक्षित तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस समेत केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस के लगभग 80,000 से ज्यादा जवानों को इस क्षेत्र में तैनात किया गया है। साथ ही बस्तर संभाग में स्थापित हो चुके 75 कैंप भी सुरक्षित चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं आपात स्थिति और नक्सली हमले से निपटने के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि बस्तर में 300 से ज्यादा बूथ संवेदनशील हैं, यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आशान्वित है कि इस समय भी लोकसभा में भी विधानसभा के जैसे बहुत अच्छा चुनाव हो जाएगा, किंतु खास तौर पे पूरे देश में भी चुनाव चल रहा है तो जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो थोड़ी कम प्राप्त होती है, उसके मद्देनजर सुरक्षा तथा के ज्यादा इंतजाम किए जा रहे हैं। अतः हमने लगभग 200 के ऊपर के बूथ्स भी इन सभी जगहों पे हमने शिफ्ट किए हैं जिनको सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया गया है। वहीं बस्तर के आईजी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए चप्पे चप्पे पर जवान तैनात रहेंगे। इस बार चुनाव में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और बस्तर फाइटर के जवान मोर्चा संभालेंगे।
सभी व्यवस्था को जो सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से संबोधित करने के लिए सभी प्रकार के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जा रही है। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बाहर से आमंत्रण हुआ है उसका आने जाने का सिलसिला शुरू हो गए थे, जो सुरक्षात्मक कारण से एग्जैक्ट डिटेल्स अभी हम संख्यात्मक नहीं बता पा रहे, लेकिन जो पर्याप्त बल हमको ऑलरेडी अवेलेबल है, साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी आमंत्रण हुआ उसको लेकर सभी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से संबोधित करने की आज एक बैठक भी हुआ। पहले चरण में हो रहे चुनाव के दौरान बस्तर लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों का भाग्य 14,66,337 मतदाता तय करेंगे। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 7,68,088 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,98,197 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 52 है। विधानसभा चुनाव में बस्तर में 75.62% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। नक्सलियों के गढ़ रहे बस्तर में इतनी बड़ी संख्या में मतदान होना लोकतंत्र के लिए एक सुखद तस्वीर है। इसने साबित किया कि सुरक्षा बलों की मेहनत रंग लाई और ग्रामीणों के अंदर से नक्सलियों का डर खत्म हो रहा है। देश की सर्वाधिक नक्सल हिंसा प्रभावित बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान कराना भारत निर्वाचन आयोग के लिए हमेशा एक चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और बस्तर के लोकसभा का सूर्योदय तेजी से हो रहा है। सुरक्षा बलों के प्रयासों से नक्सलियों के गढ़ को नक्स्ताबूत करने के लिए सफलता मिली है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और मतदान को लेकर पूरा देश उत्साहित है। इसी कड़ी में गोरखपुर की डेफ वेलफेयर सोसाइटी ने संकेत मूक बधिर विद्यालय के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य दिव्यांगजनों में मतदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। नमस्कार, आज हम सभी दिव्यांग गोरखपुर में एकत्रित हुए हैं मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। हमारा उद्देश्य दिव्यांग जन में मतदान के लिए सरलता लाना है। नमस्कार, हम सभी दिव्यांग जन का उद्देश्य लोगों में मतदान के लिए जागरूकता लाना है। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि दिव्यांग भी मतदान कर सकते हैं। डेफ वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है। मैं चाहता हूँ कि जनता को भी पता चले कि दिव्यांग भी मतदान के लिए जागरूक हैं और गोरखपुर वासियों को इस बात पर गर्व है। और आइए अब आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अठारहवीं लोकसभा के चुनाव की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है। सभी दल महिला मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। ऐसे में आधी आबादी की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो पहले चुनाव से लेकर अब तक ये 5% से बढ़कर 15% तक पहुंचा। लोकसभा में 1951 में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व 5% था, 1957 में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व 5% ही रहा। साल 1962 और 1967 में ये आंकड़ा बढ़कर 6% हो गया। 1971 में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व फिर घटकर 5% हो गया। 1980 में महिला सदस्यों की संख्या 5% ही रही। 1984 में महिला सांसदों का प्रतिशत बढ़कर 8% हो गया। 1989 में 6%, जबकि 1991 में ये 7% था। 1998 में 8%, 1999 में 9%, 2004 में 8%, 2009 में ये आंकड़ा 11% तक पहुंच गया। 2014 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12% तक पहुंच गया। 2019 में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% तक पहुंच गया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को अन्याय पत्र बताया और इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। फेस्टो जो नहीं जारी किया है, न्याय पत्र नहीं जारी किया, अन्याय पत्र जारी किया, झूठ का पुलिंदा जारी किया है। ये वही कांग्रेस है जो 71 में कहा था इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, लेकिन गरीबी बढ़ते चला गया। नरेंद्र मोदी आए हैं, गरीब को समझ रहे हैं, गरीब के लिए जी रहे हैं। और 24 की चुनौती में बस इतना ही।
और फिलहाल यू देखते हैं में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। परसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे, ये है मोदी की गारंटी। इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांध कर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। बात छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर दुर्ग रोड पर कल कर्मचारियों से भरी एक बस 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 12 यात्रियों की मौत हुई है जबकि 15 लोग घायल। हादसे के दौरान बस में 40 लोग सवार थे। घायलों को रायपुर रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ में हुए बस हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख प्रकट किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। दुर्ग बस हादसे के पीड़ितों से मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कुम्हारी में केडिया डिस्टिलर्स के मजदूरों की जो बस थी वो लगभग 8:30 बजे एक खाई में सड़क के किनारे गिरी है, जिसमें 12 लोगों की अभी तक डेथ कंफर्म हुई है। 14 लोग अस्पताल में एडमिटेड हैं। हमने 2 लोग यहां पे FX में एडमिटेड हैं, बाकी सबको एम्स में हमने रेफर कर दिया है। सभी स्टेबल कंडीशन में है। एम्स के डायरेक्टर से और एपेक्स के जो अस्पताल के संचालक हैं उनसे हमारी टीम संपर्क में है, उनको बेस्ट पॉसिबल केयर हम अवेलेबल करवा रहे हैं। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया। इसी बीच तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मिलने जाएंगे। भगवंत मान और संजय सिंह केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने जेल में मुलाकात करने वालों में अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दोनों बच्चों, आप नेता संदीप पाठक और अपने निजी सचिव का नाम लिखवाया था। अब इस लिस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी नाम शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद तमिलनाडु के 19 मछुआरों को श्रीलंकाई जेल से रिहा कर दिया गया। सभी मछुआरे श्रीलंका के कोलंबो से एयर इंडिया के जरिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि समुद्री सीमा पार करने के आरोप में पिछले महीने 6 मार्च को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया था। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद श्रीलंकाई अदालत ने मछुआरों को रिहा करने का फैसला लिया। इससे पहले मछुआरों के परिवारों ने केंद्र और राज्य सरकारों से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार मछुआरों को रिहा करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
इसरो चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि 2040 में भारत का कोई पहला व्यक्ति चांद पर अपने कदम जमाएगा। इसरो का चंद्रयान 4 इसी लक्ष्य की ओर पहला कदम है। चंद्रयान 4 इस कॉन्सेप्ट दैट वी आर नाउ डेवलपिंग एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द चंद्रयान सीरीज दैट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड an Indian will land on the moon in 2040. So if that has to happen, then we have to have continuous moon exploration of various kinds. So Chandrayaan 4 is first step towards that. और आइए अब एक बार फिर से नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्रोपालम में करेंगे जनसभा, शाम को नागपुर के रामटेक में करेंगे पब्लिक मीटिंग। चुनावी रण में मतदाताओं को लुभाने में जुटे भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह, पश्चिम बंगाल और बिहार में संभालेंगे कमान। वहीं योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ में करेंगे रैली। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं ने भी प्रचार किया तेज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है मनीष सिसोदिया। छत्तीसगढ़ में कल शाम दुर्ग जिले में एक बस के खाई में गिर जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 12। हादसे में 15 यात्री जख्मी। विश्व होम्योपैथी दिवस आज। राष्ट्रपति अनुसंधान को सशक्त बनाना और दक्षता बढ़ाने विषय पर होम्योपैथिक संगोष्ठी का करेंगे उद्घाटन। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालु मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के रूप की कर रहे हैं आराधना। मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। और आईपीएल में आज जीत के रथ पर सवार राजस्थान रॉयल्स की गुजरात टाइटंस के साथ होगी टक्कर। वहीं कल हुए रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति को जप तप त्याग संयम की प्राप्ति होती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के झंडेवालन और छतरपुर मंदिर में सुबह की आरती की गई और आप भक्तजनों की लंबी कतारें यहां देख रहे हैं। ये छतरपुर मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। और देवेंद्र ठाकुर हमारे सहयोगी कटरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अगर बात की जाए माँ के इन 9 दिनों की, 9 स्वरूपों की, तो आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जाती है और ख़ास तौर पर जब हम वैष्णो देवी का जिक्र करते हैं तो यहाँ तो लाखों श्रद्धालु हर रोज़ दर्शन करने आते हैं, लेकिन ये 9 दिन बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक तौर पर ख़ास होते हैं। जी यकीनन, जैसे आपने कहा कि आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और अगर आंकड़ों की बात करें तो 2 दिनों में लगभग 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इस समय जो है गर्मियां जो है वो शुरू होने पे हैं, लोगों बच्चों के जो है वो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, काफी सारी जो है स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहां पे छुट्टियां चल रही हैं, तो इस समय लोग जो है यहाँ आना पसंद करते हैं। मौसम सुहावना रहता है
और यकीनन अगर श्रद्धा की बात करें तो आंकड़े जो है वो सब दिखाते हैं कि जब से याद अगर साल की बात करें तो साल के लगभग पहले 100 दिनों में भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। जी साथ ही अगर हम बात करें सुरक्षा इंतजामों की और कई ऐसी सुविधाएं हैं जो अब माता वैष्णो की गुफा तक पहुंचाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई हैं, जिसमें हम बात करते हैं ट्रॉली की, प्राइवेट टैक्सीज की, उस लिहाज से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा करना कितना सुविधाजनक हो गया है देवेंद्र जी? अगर सुरक्षा की बात करें तो बिल्कुल सुरक्षा में जितनी भी एजेंसियां जुड़ी हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, सिक्योरिटी की बाकी एजेंसियां हैं, आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, तो वो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते, उनका जो SOPs है उनका पालन किया जाता है। अगर सुविधाओं की बात करें तो हर साल एक विशेष सुविधा दी जाती थी जो विकलांग लोग हैं उन्हें वैष्णो देवी तक ले जाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड जो है वो मुफ्त में सेवा देता था, चाहे उन्हें हेलीकॉप्टर की सुविधा हो चाहे फिर बैटरी कार की सुविधा हो। बट 3 दिन पहले ही श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की एक इंपॉर्टेंट और उसमें यह फैसला लिया गया है कि अब इन नवरात्रों के आगे वर्ष भर जो विकलांग श्रद्धालु हैं उन्हें यह सुविधा मुफ्त दी जाएगी, उनका रहना, खाना पीना और उन्हें भवन तक लेके जाना, चाहे वो बैटरी कार हो चाहे बाकी कोई सुविधाएं हो, तो वो सब मुफ्त में दी जाएंगी। श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड का ये प्रयास है कि जहां पे जो भी श्रद्धालु आए उसकी यात्रा जो है सुखद है और मंगल में रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए News@10 डीडी न्यूज पर। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:15 DD नेशनल पर। सियासी मुद्दे जो राजस्थान में है वो कौन से मुद्दे हावी हैं? जनवाणी आपके कार्यक्रम का नाम है और जनजन की ये वाणी है कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। इस 400 पार का जो गुब्बारा क्रिएट किया गया है इसमें कोई दम नहीं है। आप तो उम्मीदवार तो लड़ने नहीं चाह रहे, लड़ने के पहले ही हार मान रहे। मैं तो कहूँगा जहाँ जहाँ भी ये दल बदल हुए हैं इनका तो जलूस निकाल देना चाहिए। आम जनता के मन में राम जन्मभूमि और राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री विभिन्न चुनाव सभाओं में स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि आपका चुनाव चिन्ह कमल, आपका प्रत्याशी कमल। क्या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के समर्थन में आज है? ब्रेक के बाद सभी का स्वागत News@10 में। आज पूरे केरल में ईद उल फितर मनाई जा रही है। रमजान के रोजे पूरे होने के बाद मनाया जाने वाला यह त्यौहार अपने साथ प्रेम और भाईचारे का संदेश लाता है। केरल की मस्जिदों में ईद के पावन मौके पर नमाज अदा की जा रही है। गुरुवार यानी 11 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। रमजान के रोजे पूरे होने के बाद मनाया जाने वाला यह त्यौहार अपने साथ प्रेम और भाईचारे के संदेश को लेकर आता है। घरों से लेकर बाजारों तक ईद की तैयारी और चहल पहल देखी जा रही है। लोग नए कपड़ों, सजावट के सामान और ईद से जुड़ी दूसरी चीजों की खरीदारी में लगे हैं। कैसी है ईद की तैयारियां, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महीने भर के रोजे रखने के बाद अब बारी है ईद की खुशियों की, जिसकी तैयारियां रमजान के आखिरी हफ्ते से ही शुरू हो जाती हैं। मैं इस वक्त मुस्लिम बहुल इलाके पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद में मौजूद हूं और ईद की ख़रीदारी के लिए अक्सर बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की गहमा गहमी है और लोग ईद की ख़रीदारी के लिए यहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। किस तरह की यहां पर ख़रीदारी चल रही है आइए आपको दिखाते हैं। ईद
का दिन करीब आने के साथ ही ईद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। इन खुशियों को दुबाला करने के लिए सभी नए कपड़े खरीदते हैं, जिनमें कुर्ता पाजामा और टोपी सबसे खास रहता है। वहीं महिलाएं और लड़कियां भी त्योहार के हिसाब से डिजाइनर सूट, ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में जुट जाती हैं। ईद की खुशियों को जो दोबाला करती हैं वो हैं मिठाइयाँ, और मिठाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है ईद पर, आइए जानते हैं। मुझे लग रहा है कि लोग ज्यादा ही एक्साइटेड है इस बार, और भीड़ बहुत उमड़ कर आ रही है। पिछली बार से और कोविड के बाद से तो बहुत ज्यादा ही फर्क आया है काम के अंदर। कितने दिन पहले से आप मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं? 5-6 दिन पहले बननी शुरू जाती हैं। एक्चुअली ज्यादा पुरानी इसलिए नहीं बनाते कि वो बासी हो जाती हैं। क्या कुछ नया लेकर आए हैं? दिल्ली में या यूपी में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको बेसन की या मैदे की या और पनीर की गुलाब जामुन मिलेगी। ये स्पेशल जलेबी है जो खालिश मावे से बनती है, और इसका कॉन्सेप्ट दिल्ली में कहीं नहीं है, एक हमारे पास। बच्चों के लिए ईद का दिन बहुत खास होता है, जहां उन्हें ईदी का इंतजार तो रहता ही है और साथ ही नए कपड़े पहनने की खुशी भी अलग होती है। ईद की खुशियां अपनी जगह, लेकिन इसका पैगाम भी याद रहे कि अगर कोई इन खुशियों से आपको महरूम नजर आ रहा है तो उसके साथ भी ये खुशियां बांटें, और फिर देखें कि ये खुशियां किस तरह से दोबाला हो जाती हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं सायमा खान, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और एक नज़र कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में बिजनेस रैप के जरिए। रिजर्व बैंक 2008 से तिमाही आधार पर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है। इस बार भी आरबीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के सर्वेक्षण का अगला दौर शुरू कर दिया है। इसमें तैयार माल प्रगति पर काम और कच्चे माल की सूची, मात्रा और मूल्य के संदर्भ में आइटम वाइज उत्पादन के बीच अंतर डेटा भी एकत्र होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय बैंकों से घरेलू व विदेशी दोनों स्तर पर रुपया डेरिवेटिव बाजार में भागीदारी बढ़ाने की अपील की है। डेरिवेटिव बाजारों में घरेलू बैंकों की भागीदारी सिर्फ सक्रिय बाजार निर्माताओं के एक छोटे समूह के साथ सीमित है। साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय बैंकों की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन यह काफी कम है। अमेरिकी भारत रणनीतिक और भागीदारी मंच ने पूर्व राजस्व और वित्त सचिव तरुण बजाज को अमेरिकी भारत कर मंच का प्रमुख नियुक्त किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुरेंद्र चावला ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की प्रवर्तक कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने शेयर बाजारों को एक नियामक फाइलिंग में यह जानकारी दी है। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने गुरुग्राम में गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज की एक आवासीय परियोजना के लिए पंजीकरण अवधि बढ़ाए जाने के अनुरोध वाले आवेदन को खारिज कर दिया है। नियमों का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए कदम उठाया गया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में अपने संयंत्र में एक नई असेंबली लाइन जोड़ी है। इससे कंपनी की कुल विनिर्माण क्षमता 22.5 लाख वाहन से बढ़कर 23.5 लाख वाहन हो गई है। सरकार ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 15 मई कर दी है। प्रारंभिक समय सीमा 15 अप्रैल को समाप्त होनी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, ग्रीनको ग्रुप और वेल्सपन न्यू एनर्जी गुजरात के कांडला बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया इकाइयां स्थापित करेंगे। इस परियोजना में 1,00,000 करोड़ रुपए तक का निवेश हो सकता है। कृषि रसायन कंपनी बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड के शेयर बाजार आज से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे। बेस्ट एग्रो लाइफ पहले से ही बीएसई पर सूचीबद्ध है। कंपनी के गजरौला, ग्रेटर नोएडा और जम्मू कश्मीर में 3 विनिर्माण संयंत्रों में टेक्निकल के लिए 7,000 टन सालाना और फॉर्मुलेशन के लिए 30,000 टन वार्षिक विनिर्माण क्षमता है। भारत की जगजीत पवाड़िया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुनी गई। उन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में सबसे अधिक वोट मिले हैं। आपको बता दें कि भारत को ECOSOC के 53 वोटिंग सदस्यों में से 41 वोट मिले, जो सभी विजेता सदस्य देशों में सबसे अधिक हैं। 41 वोटों के साथ जगजीत पवाड़िया ने कठिन चुनाव में शानदार जीत हासिल की। जगजीत पवाड़िया 2015 से अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूचना साझा की है। भारत की नामांकित सुश्री जगजीत
पवाड़िया को 2025-30 की अवधि के लिए न्यूयॉर्क में हुए चुनावों में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया। भारत ने बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्य देशों के बीच सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं। इसराइल हमास संघर्ष में फौरी तौर पर विराम लग सकता है। इसराइल और हमास को संघर्ष विराम प्रस्ताव का नया मसौदा सौंपा गया जिस पर दोनों पक्ष फिलहाल विचार कर रहे हैं। नए प्रस्ताव में 6 सप्ताह के संघर्ष विराम की बात कही गई है। इस दौरान हमास 40 बंधकों को रिहा करेगा, बदले में इसराइल को 700 फिलिस्तीनी रिहा करने होंगे। एक तरफ मिस्र में शांति स्थापना के लिए मंथन जारी है, उधर इसराइल हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान में कोई ढील नहीं देने की बात कर रहा है। चामे है मिस्र में संघर्ष विराम को लेकर मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि मध्यस्थों ने इजराइल और हमास को संघर्ष विराम प्रस्ताव का नया मसौदा सौंपा है जिस पर दोनों पक्ष फिलहाल विचार कर रहे हैं। नए प्रस्ताव में 6 सप्ताह के संघर्ष विराम की बात कही गई है। इस दौरान हमास 40 बंधकों को रिहा करेगा, बदले में इसराइल को 700 फिलिस्तीनी रिहा करने होंगे। काहिरा में इसराइल और हमास के प्रतिनिधियों को जो संघर्ष विराम प्रस्ताव दिया गया है उसमें कहा गया है कि हमास को ऐसे बंधकों की सूची देनी होगी जिन्हें वो रिहा करेगा, वहीं उसे उन फिलिस्तीनी कैदियों की सूची भी बनानी है जिनकी रिहाई वो चाहता है। संघर्ष विराम प्रस्ताव में उल्लेखनीय संख्या में फिलिस्तीनियों की उत्तरी गाजा वापसी की बात भी कही गई है। ध्यान रहे कि उत्तरी गाजा में अपने सैन्य मुहिम के दौरान इजरायली सेना ने आम लोगों को दक्षिणी गाजा की तरफ जाने को कहा था, जिसके बाद हजारों लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। इजरायली सेना उत्तरी गाजा को हमास का गढ़ मानती है, इसलिए वहां उसका सैन्य अभियान बेहद आक्रामक रहा था। शांति प्रस्ताव के अनुसार इजरायल को गाजा में अपने चेक पोस्ट निरंतर कम करने होंगे ताकि लोग उत्तरी गाजा वापस आ सकें। एक तरफ मिस्र में शांति स्थापना के लिए मंथन जारी है, उधर इसराइल हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान में कोई ढील न देने की बात कह रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि रफाह में सैन्य अभियान छेड़ने की तारीख तय हो चुकी है। रफाह को इसराइली सेना हमास का अंतिम गढ़ मान रही है। हालांकि कई पश्चिमी देशों सहित बहुत से देश इसराइल से रफाह में सैन्य अभियान न छेड़ने को कह रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे गाजा में मानवीय सहायता आपूर्ति का एकमात्र रास्ता प्रभावित होगा। और बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिर बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। केजरीवाल ने सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग की थी। नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी 1 हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार अपने वकील से मिल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके लिए ट्रैक करें तो केजरीवाल ने सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मिलने की इजाजत मांगी थी और इजाजत सिर्फ 2 बार मिलने की दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जो याचिका है वो खारिज की और केजरीवाल की जो ये दरख्वास्त थी कि वो सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग वो कर रहे थे, नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही अपने वकील से मिल सकते हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमने देखा कि संकट के बादल मंडराते हुए जिस तरह से उनकी जमानत याचिका को भी खारिज किया गया और साथ ही साथ जिस तरह से आप पार्टी पर तरह तरह के खास तौर पर जो आप कार्यनीति की अगर बात की जाए उसको लेकर बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विकास, लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने वकील से 1 हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही मिल सकते हैं। बिल्कुल आंचल, यहाँ पर आपने अभी जो बताया कि 2 बार मिलने का नियम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि उनके खिलाफ देशभर में 30 से ज्यादा मामले लंबित हैं और उन्हें लगातार अपने जो उनकी लीगल टीम है, अपने वकील हैं, उनसे मिलना पड़ता है क्योंकि हर केस के लिए क्या रखा जाएगा, दलील क्या उनका रुख रहेगा, इन चीजों के लिए उनको नियमित रूप से अपने वकीलों से मिलने की अनुमति मिले और हफ्ते में 5 दिन ये अनुमति हो, लेकिन कोर्ट ने इस बात को, इस मांग को रिजेक्ट कर दिया है। अब इसमें कोर्ट ने क्या ग्राउंड्स दिए हैं ये तो विस्तृत आदेश जब आ जाएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन इसकी जो बड़ी वजह लगती है आजकल वो ये कि जेल मैनुअल ही कहता है कि आप 2 बार से ज्यादा मुलाकात नहीं कर सकते इसमें और कोर्ट ने संभवतः अरविंद केजरीवाल के लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं रखा है कि उनको इसके लिए कोई एक्सेप्शन दिया जाए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। जैसा बाकी मामलों में हम लगातार देख रहे हैं
कोर्ट की टिप्पणी है वो यही आती रही है, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, कि एक आरोपी को सिर्फ आरोपी के तौर पर कोर्ट एड्रेस करता है, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो, वो नेता हो, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता और किसी तरह की अलग से रियायतें ऐसे में नहीं दी जा सकती। हालांकि उनको अपने परिवार से मिलने की अनुमति है, हर दिन आधा घंटा मिलने की अनुमति दी गई है, दी गई थी कोर्ट की तरफ से पहले जब वो पूछताछ ईडी उनसे कर रही थी तभी उनको मौका दिया गया था, लेकिन अब जेल मैनुअल के हिसाब से उनको इस तरह की कोई रियायत नहीं दी जा सकती। दो बार ही मिलने का समय होगा उनके दो को और हफ्ते में दो ही बार। सूचना ये भी आ रही थी विकास कि भगवंत मान आज उनसे मिलने जाने वाले हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया कि जो तिहाड़ जेल का प्रशासन है सुरक्षा कारणों से ये हवाला दिया गया कि वो शायद आज वहाँ उनसे नहीं मिल सकते। देखिए आंचल, इसमें क्या तिहाड़ प्रशासन ने कहा ये तो अभी हमारे पास आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पार्टी की तरफ से इस तरह के ऐलान जरूर किए गए थे कि आज कई हाई प्रोफाइल नेता जिनमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं वो अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे अपना सपोर्ट शो करने के लिए कि वो पूरी तरह पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन जैसा हमने कहा कि जो पूरी प्रक्रिया है वो नियम कायदों के मुताबिक है। पंजाब सीएम एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी उनकी है, आप जानते हैं टेरर थ्रेट को लेकर के, ऐसे में हो संभव है कि तिहाड़ जेल ने शायद अनुमति आज ना दी हो, अगर उनको सही समय पर सूचना मिलेगी तभी वो इस तरह के अरेंजमेंट कर पाएंगे। तो आधिकारिक कोई इसको लेकर अभी बयान तिहाड़ प्रशासन से मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था भगवंत मान समेत बड़े नेता विकास, क्योंकि हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को और लगातार उनकी पार्टी का ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल आचल, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी भी वक्त मेंशन कर सकते हैं चीफ जस्टिस की कोर्ट में, क्योंकि कल तो उनके वकीलों की तरफ से हाईकोर्ट से भी आग्रह किया गया था कि उनको जल्द ही हाईकोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी दे दी जाए ताकि वो उस अपने जो उचित कानूनी विकल्प है उनका इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद ये है कि 10:30 बजे जैसे ही चीफ जस्टिस की कोर्ट बैठी है 10:30 या उसके कुछ देर बाद तभी ये मामला मेंशन किया जाएगा और तब लिस्ट होगा ये मेंशनिंग के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए विकास। तो साफ तौर पर जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही जब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पीटर हिग्स की, जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें गॉड पार्टिकल की खोज के लिए जाना जाता है, जिसने ये समझाने में मदद की थी कि बिग बैंग थ्योरी के बाद सृष्टि की रचना कैसे हुई। हिग्स बोसोन सिद्धांत के लिए उन्हें संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। स्कॉटिश विश्वविद्यालय ने निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि सोमवार 8 अप्रैल को छोटी सी बीमारी के कारण घर पर उनका निधन हुआ। आपको बता दें कि हिग्स करीब 50 साल प्रोफेसर स्कॉटिश विश्वविद्यालय में कार्य कर चुके हैं। और अब बात आईपीएल से जुड़ी हुई, जहां आज जीत के रथ पर सवार राजस्थान रॉयल्स का सामना सातवें स्थान पर मौजूद गुजरात टाइटंस के साथ है। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस 4-1 से आगे है। रॉयल्स के लिए इस सत्र की खोज रियान पर आग रहे। गुवाहाटी के हरफन मौला ने अब तक 185 रन बना लिए, जिसमें से 2 अर्धशतक शामिल हैं। राजस्थान के पास ट्रेंट बोल्ट हैं और नांद्रे बर्गर के रूप में उम्दा तेज गेंदबाज। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस ने अब तक 5 में से 2 मैच जीते जो और 3 गंवाए हैं। शुभमन गिल की टीम हार की हैट्रिक से बचना चाहेगी। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली के द्वारका यशोभूमि कन्वेंशनल सेंटर में 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन को सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है होम्योपैथी में अनुसंधान को सशक्त बनाना और दक्षता को बढ़ाना रखा गया। इसका उद्देश्य होम्योपैथी को अनुसंधान आधारित चिकित्सा विज्ञान से लैस करना है, जिससे होम्योपैथिक चिकित्सा को एक विश्वसनीय और स्वास्थ्य देखभाल का बेहतर विकल्प बनाया जा सके। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस और 10 से 16 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है। आज के ही दिन होम्योपैथी के आविष्कारकर्ता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। आज का दिन हर होम्योपैथ के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज न केवल हम हैनीमैन को याद करते हैं बट उन तमाम स्टॉलवर्ट
उन तमाम होम्योपैथ डॉक्टर्स को हम याद करते हैं जिनके स्ट्रगल्स की वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से आज होम्योपैथी को विश्व में जो स्थान मिला है। होम्योपैथी किसी भी रोग का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है, साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी रोग का नहीं बल्कि रोगी का इलाज करती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है। होम्योपैथी हर तरह के रोग में विशेष तरह से काम करता है, वह बच्चों का रोग हो, वह उनकी मानसिक स्थिति हो, वह उनके कीड़े या वर्म्स की बीमारी हो, वह उनके पढ़ाई में अपना मानसिक जो कंसंट्रेशन होता है वह न कर पाने की बीमारी हो, वह बार बार सर्दी खांसी लगने की तकलीफ हो, या पूरा खाना पीना करने के बावजूद भी अगर उनके शरीर में वजन नहीं बढ़ता है, वो दुबले ही रह जाते हैं, इस तरह की बीमारी हो, या बड़ों में जिसको हम लाइफस्टाइल डिजॉर्डर कहते हैं, आज के जीवन में जब इतने तरह के तनाव होते हैं तो उनसे जो बीमारियां होती हैं, वह डायबिटीज हो, वह अनिद्रा हो या मानसिक विकार हो, उस सब में होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करता है। होम्योपैथी में उपचार शुरू करने से पहले रोगी की पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे वंश संबंधित इतिहास, रोगी का रहन सहन, स्वभाव, रुचि, उम्र, शारीरिक परीक्षण, रोग के लक्षणों की पूरी जांच की जाती है। होम्योपैथिक दवाओं में 70% भाग पौधों से लिया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं हानि रहित होती हैं, इन्हें लेने पर साइड इफेक्ट्स की संभावना कम होती है। होम्योपैथी प्राकृतिक नियमों पर आधारित एक चिकित्सा विधा है। यहाँ खासकर यह ध्यान रखा जाता है कि हर व्यक्ति विशेष को, हर रोगी को अलग से उसके रोग का, उसके बीमारी का, उसके दवा का चयन किया जाए, और इसके लिए हम कम से कम दवा देते हैं जिनका साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के कई लाभ हैं। इसमें विपरीत प्रभाव होने की संभावना कम होती है। बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर आयु के लोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी होम्योपैथिक दवाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं। ये रोग का नहीं बल्कि रोगग्रस्त व्यक्ति का पूर्ण इलाज करती है, साथ ही संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार पर भी ध्यान देती है। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो जटिल रोगों के इलाज में काफी प्रभावशाली है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दौर का मैच खेलने उतरेंगे। सुमित का दूसरे दौर में सामना डेनमार्क के होल्गर रूने से होगा। रूने विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर हैं। अपने से उच्च रैंकिंग खिलाड़ियों को हराकर मुख्य ड्रॉ में प्रवेश करने वाले नागल ने क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में पहले दौर की जीत के बाद करियर में पहली बार 80 रैंकिंग तक पहुंचना सुनिश्चित कर लिया। फिलहाल वह दुनिया के 95वें नंबर के खिलाड़ी हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में 2024 में अपनी तीसरी जीत हासिल की। टीम ने मंगलवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया। मोहाली में खेले गए मुकाबले में पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन ही बना सकी। सनराइजर्स की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी ने 37 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली। यह आईपीएल में उनका पहला 50 था। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल के बीच खेला गया क्वार्टर फाइनल का जो पहला लेग मुकाबला था वो 2-2 से ड्रॉ रहा। इस मुकाबले में बायर्न की ओर से हैरी केन का बेहतरीन खेल नजर आया, जिन्होंने मैच में 32वें मिनट में पेनल्टी किक के जरिए गोल किया। इसके अलावा बायर्न की ओर से ही जिराबरी ने गोल किया, वहीं आर्सेनल की ओर से साका और ट्रुसार्ड ने एक एक गोल किए। मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के बीच खेला गया यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल के पहले लेग का मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। मैच में पहला गोल मैन सिटी की ओर से आया, जिसे बर्नार्डो सिल्वा ने किया। हालांकि इसके बाद रुबेन डायस ने ऑन गोल कर स्कोरलाइन को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। रियल मैड्रिड ने इसके बाद 14वें मिनट में गोल कर 2-1 की बढ़त बनाई, जिसके बाद से फिल फुडेन ने दूसरे हाफ में गोल कर स्कोरलाइन को 2-2 की बराबरी पर किया। इसके बाद दोनों टीमों की ओर से एक गोल और देखने को मिला। और आइए सीधे चलते हैं तमिलनाडु के वेल्लोर, जहां इस समय प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली कर रहे हैं।
போல இந்த வேலூர் கோட்டையும் இந்த வேலூர் மண்டல